राइट। एक कोई भी एक एक्वास्केपिंग में ना फिश कैसे चूज करते हैं, क्या है उसके बिहाइंड लॉजिक, क्या है, ये सब जो रियली प्रोफेशनल एक्वास्केपर्स है वो पर्टिकुलर एक्वास्केप में पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिश क्यों होता है, एक रीजन होना चाहिए ना, सब चीज का एक लॉजिक होना चाहिए। मैं समझाता हूं, तो इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक एक्वास्केप में कौन सा फिश डालेंगे तो वो एक्वास्केप ज्यादा सुंदर दिखेगा और वो इकोसिस्टम में वो फिश कैसे फिट होएगा और इकोसिस्टम को बेनिफिट कैसे होगा। ठीक है, तो पहले एक्वास्केप के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एक्वास्केप एक इमेजिनेशन, एक अपने मन से या कहीं देखा हुआ या एक पिक्चर में देखा हुआ एक इंस्पिरेशन, और मैंने हमेशा ये बोला है कि एक्वास्केप में एक स्टोरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंस्पिरेशन और स्टोरी जब बन के उबर के आता है तो उसमें वो स्टोरी में कौन सा फिश फिट हुए, वो कलर जो कॉम्बिनेशंस है ग्रीन रेड येलो पिंक जो प्लांट्स है उसमें कौन सा फिश फिट हुए। सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझो हमने एक जंगल का स्केप किया, ठीक है, घना जंगल, फर्न्स अलग अलग तरीके के, बहुत घना, तो घने जंगल में क्या मिलता है, क्या होता क्या है, बस घने जंगल में बाघ होता है, टाइगर। तो वो टैंक में अगर आप कोई भी स्ट्राइप्ड बार्ब्स यूज करें, जैसे टाइगर बार्ब, जैसे रूबी बार्ब, चेरी बार्ब, ये जाके वो एक्वास्केप में फिट हो जाता है और दिखता भी सुंदर। ग्रीन बैकग्राउंड टाइगर बाब गोल्डन विद ब्लैक लाइंस, जैसे शेर जैसा मस्त दिखेगा। तो आज क्या करेंगे, जो भी हमारे गैलरी में टैंक्स है उसमें क्या फिश है क्या नहीं है ये देख के आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि वो एक्वास्केप में वो फिश अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है या कौन सा फिश डालना चाहिए, ये सब बातें चलेगा। ओके, चलो, तो पहला टैंक जो है ये एक 30x30x30 क्यूब है और इसमें हमने कार्डिनल्स और एक और टेट्रा डाला है, वो टेट्रा थोड़ा व्हाइटिश है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाला है और बहुत शर्माते हैं घुस गए अंदर, लेकिन याद रखो ये जो बैकग्राउंड व्हाइट होने के वजह से, अगर आपने कोई व्हाइट कलर का फिश या सिल्वर कलर का फिश कुछ डालेंगे तो वो दिखेगा, लेकिन अगर कार्डिनल टेट्रा जैसा कुछ डालें तो वो कलर उबर के आएगा, निकल के आएगा। आगे बढ़ते हुए ये जो है ये एक वाटरफॉल सिस्टम है, टेरा 30 बुलाते हैं इसको, इसमें मैंने एक जोड़ी किली फिश रखा है, ये लायर टेल किली बोलते हैं, ये फीमेल है और मेल यूजुअली छुपा हुआ रहता है, आएगा बाहर तो दिखाता हूं मैं मेल भी कैसा दिखता है, बहुत कलरफुल है बहुत सुंदर है। ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है तो इसके अंदर ये एक पैर है जो मैं चाहता हूं कि ब्रीड करे, होगा तो मजेदार होगा, और इसमें श्रिम्प वगैरह है तो वो खाते रहते श्रिम्प और स्पेस एग्जैक्ट उनके हिसाब से है तो वो उनका खुद का एक इकोसिस्टम हो गया।
अब अगला वाला जो सेम टेरा 30 सिस्टम है, इसमें हमने गपीज डाला है। ये थोड़ा अपना क्या बोलते हैं, कोई मार्केट या यू नो बहुत भीड़ वाली जगह लगता है, बहुत सारा भीड़ है इसमें, बच्चे भी हैं और बहुत चहल पहल है इसमें। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज छोटा सा जगह है और कलरफुल गपीज है और टैंक भी काफी कलरफुल है। तो एंड यूजुअली ये टेरा 30 जो है ना, हॉस्पिटल में या पब्लिक प्लेस में ऐसा जगह में बहुत सुंदर दिखता है। तो गपीज होना कलर और एक्टिविटी क्रिएट करता है। तो कॉन्स्टेंटली गपीज जैसे मूव होते रहते हैं, देखो, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगला टैंक जो है, हमने थोड़ी दिन पहले इस ये टैंक का रीस्केप दिखाया था, तो अभी ये 15 दिन हो गया है और प्लांट्स भी बहुत सुंदर आ रहे हैं इसमें, पूरा भर के आया है। हमने वुड निकाल के स्टोन डाला था, लेकिन अभी तक इसमें फिश डाला नहीं था। वो वीडियो में मैंने समझाया था कि हम इसमें कोलंबियन टेट्रा डालेंगे, हमने अभी तक डाला नहीं है बिकॉज मेरे को और थोड़ा टैंक सेट होना है, तो ये हफ्ते में डालूंगा। कोलंबियन टेट्रा रेड टेल और ब्लूइश आता है, तो अगर आप देखेंगे तो रेड टेल ब्लूइश इसमें ये कॉम्बिनेशन में सुंदर दिखेगा। ओके, ये छोटा सा डेकोरेटिव पीस है, इसमें बहुत कम पानी होगा तो फिश डालना थोड़ा रिस्की है, बट यू कैन स्टिल पुट गपीस, थोड़ा पानी डाल के ब्यूसिफिलांड्रास अनुबियास डाल के थोड़ा एक चार पांच गपीस छोड़ सकते हैं, लेकिन रिमेंबर वाटर चेंज करते टाइम ये सब टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। ये ज्यादा डेकोरेशन ज्यादा अच्छा दिखता है। अगेन ये भी 30x30x30 क्यूब है। इसमें अगर आप पास में देखेंगे तो गैलेक्सी रेस्पोरा फिश है, लेकिन अगेन छुपा हुआ है, बट ये टैंक में बिकॉज ये बहुत मिस्टीरियस है, गैलेक्सी रेस्पोरा बहुत सुंदर दिखता है और जब वो बाहर आते हैं चार पांच है इसमें, मेल फीमेल और बच्चे भी डालते हैं, तो शायद अभी मूड नहीं है उनको बाहर आने का, उनको फोर्स नहीं करेंगे। अब आके ये बड़ा टैंक में जाएंगे, ये 3 feet by 1.5 feet by 1.5 feet टैंक, दो माउंटेन वाला स्केप विद पाथ इन बिटवीन। इसमें बहुत सारे फिश है, अलग अलग वेराइटीज के हैं, मैं समझाता हूं क्यों है। इसमें स्टैंडर्ड कार्डिनल टेट्रा और रमिनोस टेट्रा है, इसमें माउंटेन मिनोस है, इसमें बम्बल बी गोभी है और काफी सारे श्रिम्स, अमानो श्रिम्प, चेरी रेड श्रिम्प, वो सब है इसमें। पहले तो एंजल भी होते थे बट एंजल बहुत बड़े हो गए टैंक के लिए, तो हमने शिफ्ट कर दिया। कार्डिनल टेट्रा रमिनोस टेट्रा शो के लिए, लुक के लिए बहुत अच्छा है। कार्डिनल टेट्रा वो ब्लू और रेड लुक बहुत सुंदर आता है। रमिनोस टेट्रा दो चीज, एक वो सिल्वरिश कलर और रेड नोज जो आता है बहुत सुंदर। याद रखो रमिनोस टेट्रा एक एक्वेरियम में होना, उसके दो तीन फायदे, एक तो कलर ब्यूटी, दूसरा अगर वो नोज का कलर कम होता जाए तो मतलब आपका इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ है, एक इंडिकेटर। जितना लाल उसका नोज है, इसलिए रेड नोज टेट्रा भी बोलते हैं, जितना लाल उसका नोज है उतना अच्छा आपका एक्वेरियम या इकोसिस्टम या एक्वास्केप, ठीक है। अगेन अगर पास में आएंगे तो आपको इसमें माउंटेन मिनोज दिखेगा। ये जो माउंटेन मिनोज और बम्बलबी गोभी वगैरह है, ये श्रिम्प का जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। कार्डिनल्स और रमिनोज भी श्रिम्प के बच्चे खाएंगे, बट अगर श्रिम्प ज्यादा बढ़ गया
तो प्लांट को इफेक्ट होगा, और आलगे खाना छोड़ के और आलगे खत्म हो गया तो प्लांट खाना शुरू कर लेगा। तो श्रिम्प को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, इंपॉर्टेंट ऑटोसिंक्लेस भी है, अमानो श्रिम्प भी है। ऑटोसिंक्लेस पीछे पीछे अपना काम करते रहते हैं और एल्गे खाते रहते हैं। अगला टैंक जो है ये वाला, जो इसका भी वीडियो निकाला था हमने, उसका मेकिंग और इसका कैसे बनाते हैं, कैसे मॉस डालते हैं, कौन सा कैसे वुड डालते हैं, कैसे पीछे मैट डालते हैं, ये सब हमने बनाया था। और इसमें एक कॉम्पिटिशन भी किया था फिश का, तो इसमें हमने रैसबोरा डाला था, ठीक है। बट ऑल्सो हमने कुछ इंटरेस्टिंग एंडलर गपीज डाला है। एंडलर गपीज अगेन गपीज के जैसे बहुत सुंदर होते हैं और बहुत एक्टिव। इसमें ब्लू है और रेडिश भी है। ये वाला टैंक जो है अभी बना रहा है, इसका वीडियो ना बहुत जल्दी आप देखोगे, ये ड्राई स्टार्ट मेथड। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इसमें हम नीचे यहां पे थोड़ा क्रिप्टोकॉन्स डालेंगे, स्टोन पे पूरा पिनाटी फीड आएगा, सामने हेयर ग्रास आएगा, यहां पे थोड़ा ग्रीन रोटाला या रोटाला मकरांड्रा, यहां पे पूरा रोटाला एचआरए रेड, और साइड में थोड़ा रोटाला इंडिका या रोटाला वारिची, जो थोड़ा कम कलर वाला ऑरेंजिश, ठीक है। ये प्लान है। और इसमें आपको क्या लगता है कौन सा फिश जमेगा, वही कार्डिनल, वही रमिनोस या कुछ और, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे, आप बता भी सकते हो कि कौन सा फिश इसमें सूट करेगा। और आपके हिसाब से मेरे मन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है, ठीक है, ये फिश के बारे में मैं बताऊंगा। ये इंडियन फिश है, स्कूलिंग है, बहुत सुंदर दिखता है, कलरफुल है, और किसी ने भी देखा नहीं, ये फिश इस टैंक में बहुत जल्दी दिखाई गया। अभी ये टैंक में थोड़ा ग्रीन टाइगर है, बट आप अगर देखेंगे तो ये टैंक में इतना सारा ग्रीन और ये है तो फिश दिखता भी नहीं है, ये मिस्टेक है, ठीक है। फिश को कॉन्ट्रास्ट कलर में होना जरूरी है। फाइनली जंगल वाला एक्वास्केप और टाइगर बाग जैसे ये, या कोई दूसरा बाग जो भी है, इसमें सुंदर दिखेगा, दे लुक गुड, बिकॉज ये पूरा घना जंगल जैसा है ना, जैसे पहले मैंने बताया था आपको, घने जंगल में शेर का होना बहुत सुंदर दिखेगा। हाँ, लेकिन ये टैंक में एलिगेटर्स भी है, ब्रिस्टल नोज प्लेको, ऑटोसिंक्लेस, अमानो श्रिम्प, चेरी रेड श्रिम्प और मेलन बाग, ओडेसा बाग या रूबी बाग, चेरी बाग, चेकरबोर्ड बाग, ये सब ऐसे जंगल वाले टैंक में इंडियन फिश बहुत सुंदर दिखते हैं। इंडियन, इंडोनेशियन, एशियन बाग्स बहुत सुंदर दिखते हैं। तो जनरल अगर हम लोग गाइडलाइन लेते हैं ना, तो समझो एक जंगल स्केप में बाग्स, रेनबोज बहुत सुंदर दिखेंगे। एक डेलिकेट स्केप में अगेन छोटे फिश, ठीक है, रेनबोज में भी छोटे आते हैं ना, ओके। और जितना आप कॉम्प्लिकेट कम करोगे तो उतना सुंदर एक्वास्केप भी दिखेगा। टू मेनी वैरायटीज मत डाल, वो वैरायटीज का रीजन होना चाहिए, वो क्या करता है। सी, इंपॉर्टेंट है फिश होना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्वेरियम में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अगर फिश कचरा नहीं करेगा एक दो, तो बैक्टीरिया क्या काम करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया काम करने के लिए फिश कचरा करना चाहिए और वापस नाइट्रेट आना चाहिए, टैंक के लिए भी अच्छा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आखिरकार कितना फिश डालना चाहिए, एक सिंपल टैंक में कितना फिश डाल सकते हैं,
ये वाला बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन में बताते जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो है एक एक्वेरियम में कितना फिश होना चाहिए। तो हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आपने मजा लिया और एंजॉय किया। शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो, और मैं वापस जल्दी आऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेके। तो थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, एंड शबा खैर। एक एक्वास्केप में फिश चूज करना दिल से होता है, नजर से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है। ध्यान देके करो और हॉबी मजेदार बनेगा। बाय बाय।